नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। सिरोही नौपाजी पोशी देवी प्रजापति सेवा ट्रस्ट ने कोरोना योद्धाओं को कॉटन के बाशी वाले हैंड ग्लव्स व फेस मास्क बांटे। ट्रस्ट के राजस्थान राज्य के अध्यक्ष राव गोपाल सिंह के अनुसार कोरोना योद्धाओं की आर्थिक सेवाएं जा रही हैं। सिरोही में एक संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन सावधानी व सतर्कता शिकार कर रहा है। घर घर सर्वे का कार्य जोरों पर है। प्रवासी जिले में बहुत आ गए हैं। सर्वे दल के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व समस्त कोरोना योद्धाओं को 150 कॉटन के बोशेवल हाथ के दस्ताने व नौपाजी पोशी देवी प्रजापति सेवा ट्रस्ट ने कोरोना योद्धाओं को कॉटन के बाशीवल हैंड ग्लव्स व फेस मास्क बांटे। ट्रस्ट के राजस्थान राज्य के अध्यक्ष राव गोपाल सिंह के अनुसार कोरोना योद्धाओं की आर्थिक सेवा जा रही है। सिरोही में एक संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन सावधानी व सतर्कता कार्य कर रहा है। घर घर सर्वे का कार्य जोरों पर है। प्रवासी जिले में बहुत सर्वे दल के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व समस्त कोरोना योद्धाओं को 150 कॉटन के वोशेवल हाथ के दस्ताने व 2700 फेस मास्क वितरित किए। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश प्रजापति ने सिरोही जिले में पहले चरण में सामग्री वितरण कराया। राजस्थान राज्य के अध्यक्ष राव के अनुसार दूसरे चरण में कोरोना योद्धा पुलिस दल की सामग्री वितरित की जाएगी। सामग्री वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। ट्रस्ट सिरोही जिले में विशेष सेवा जारी रखे। वितरण विवेकानंद विद्यालय के एम में प्रधान अध्यापक दिनेश व्यास, गजेंद्र पाल, GNM जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर अश्विनी कुमार की उपस्थिति में किया। सिरोही व्यापार संघ के अध्यक्ष रघुनाथ कुमार, माली पार्षद सुरेश कुमार संगरवंशी, हिंदू वेब के अध्यक्ष हरीश कुमार दुबे के माध्यम से आमजनों को फेस मास्क वितरित किए। सिरोही से हमारे संवाददाता दिनेश मेघवाल की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।